तुम हो कौन शिवा? कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। अब खेल शुरू। वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो दोस्तों, मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं बात कर रहा हूं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र की, जो इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। फिल्म आने वाले फ्राइडे यानी कि 9 सितंबर को रिलीज होगी और फिल्म के स्टार कास्ट इन दिनों प्रमोशन में जोरों से जुटी हुई है और इसीलिए इस बीच देखा जाए तो फिल्म को लेकर बैक टू बैक अपडेट सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए ऋतिक रोशन को एक बड़ा रोल ऑफर किया गया था। जी हाँ, खबरें आ रही कि ऋतिक रोशन को ब्रह्मास्त्र 2 में देव का लीड रोल प्ले करने के लिए ऑफर किया गया था, हालांकि उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन पहले से ही 2 बड़ी फिल्में क्रिश 4 और रामायण में काम कर रहे हैं। मतलब इससे तो कन्फर्म है कि क्रिश 4 बहुत जल्द फ्लोर पर आएगी और रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ऋतिक रोशन को लगा कि ब्रह्मास्त्र 2 में काम करने का मतलब है कि एक और VFX से भरी फिल्म, इस पर और अधिक समय जाएगा मेरा और वो इस दशक में और फिल्में करना नहीं चाहते। खबरें हैं कि वो आने वाले टाइम में यानी कि 7 सालों में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं और इसीलिए बाकी के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर इन 7 सालों को वो खर्च नहीं करना चाहते। इन 7 सालों की बात करें तो इसमें क्रिश 4 आएगी, क्रिश 5 आएगी, रामायण आएगी और ये सभी की सभी फिल्में बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। मतलब रोंगटे खड़े कर देंगी, ऐसी होने वाली हैं ये फिल्में। और 7 साल का वक्त ले रहे हैं, मतलब कि आप सोचिए ऋतिक रोशन कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ इन फिल्मों को लेकर आएंगे बॉक्स ऑफिस पर और ऑडियंस के सामने। ऋतिक रोशन ने आयान मुखर्जी और करण जौहर को अपनी बात बताई और विनम्रता से इस ऑफर को मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि टीम फिलहाल ब्रह्मास्त्र 2 के लिए देव के रोल के लिए एक एक्टर की तलाश कर रही है। ये एक ऐसा रोल है जिसके लिए जिसमें कई चीजों की जरूरत है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि ब्रह्मास्त्र की टीम ऋतिक को किस एक्टर से रिप्लेस करती है और किस एक्टर पर इतना बड़ा दांव खेलती है। ब्रह्मास्त्र हम सभी जानते हैं कि ये एक एस्ट्रोवर्स है। अगर ये फिल्म सक्सेस होती है तो एक एस्ट्रोवर्स मतलब 3 फिल्मों का एक मल्टीवर्स हमें देखने को मिलेगा, जो कि सच में माइंड ब्लोइंग होने वाला है। दोस्तों, इस फिल्म की बात करें तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र फिल्म का आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा और उसके बाद एक टीजर वीडियो भी लीक हुआ था शाहरुख खान का, जिसमें हमें पता चला था कि उनका रोल क्या है, कि वो ब्रह्मास्त्र फिल्म में किस रोल में नजर आएंगे। सभी ने देखा कि शाहरुख खान वानर अस्त्र में नजर आएंगे। अब ये दोनों देखने के बाद सभी के होश उड़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम फिल्म से जुड़ी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और फिल्म की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये फिल्म एस्ट्रोवर्स का पहला पार्ट है। अब ये एस्ट्रोवर्स ठीक वैसे ही है जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। एस्ट्रोवर्स में कुल 3 फिल्में हैं जिनमें अलग अलग हिंदू पौराणिक कथा के शस्त्र को दिखाया जाएगा। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 कहानी दिखाई जाएगी शिवा की यानी कि अग्नि की। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये फिल्म आखिर हमें दिखाना क्या चाहती है। तो होता ही है कि जल, अग्नि और वायु ये 3 महाशक्तियां हैं जो अलग अलग लेवल पर कई तरह के अलग अलग शस्त्रों में है। इन तत्वों की शक्तियां जिस अस्त्र में है उस अस्त्र की जरूरत के हिसाब से ये काम करती है। वैसे तो अनगिनत अस्त्र है लेकिन सबसे ज्यादा जो ताकतवर अस्त्र है वो है ब्रह्मास्त्र। हिंदू पौराणिक कथा में ब्रह्मास्त्र को ऐसा अस्त्र माना जाता है जो पूरे ब्रह्मांड को एक बार में ही खत्म करने की ताकत रखता है। इतने ताकतवर होने की वजह से हर कोई इस अस्त्र को पाना चाहता है और ऐसी ही कुछ कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिलने वाली है। अब अगर जाने की फिल्म में शिवा कौन है जिस पर पहला पार्ट ये बनाया जा रहा है, अब जानते हैं इस फिल्म की कहानी को। ये कहानी है एक शिवा की। शिवा कई अस्त्रों में से एक यानी कि अग्नि अस्त्र है लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं होता। हालांकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि कुछ तो है जो इस दुनिया में चल रहा है और इन सब का इससे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि शिवा के पास आग पावर है तो वो कभी भी आग को पैदा कर सकता है, उससे कोई हथियार बना सकता है और आग को कंट्रोल कर सकता है और आग से उसका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। शिवा ही वो अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र के लिए वरदान है और शायद इसीलिए फिल्म की डार्क पावर उसके पीछे है। शिवा एक बेफिक्र इंसान है जो दुनिया घूमता है और इसी दौरान उसे मिलती है ईशा। शिवा और ईशा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए कुछ बुरे लोग भी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने नागार्जुन को देखा होगा। सवाल यह है कि फिल्म में नागार्जुन के पास कौन सी शक्तियां हैं। इनमें से एक है जुनून। जुनून एक इविल ग्रुप का मास्टर है जो किसी भी तरह ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता है, लेकिन जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है। तो जुनून को रोकने के लिए कई लोग हैं। इनमें से एक है नंदी अस्त्र। नाम से ही पता चलता है कि नंदी अस्त्र पावर को दिखाता है और इस ट्रेलर में एक सीन में हम देखते भी हैं कि नागार्जुन का किरदार अनीश नंदी अस्त्र है, वो अपनी पावर से ही एक ऐसे ट्रक को रोक देता है।
हम उसके हाथ में भी किसी तरह का बैंड देख सकते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि उसे अपनी पावर उस बैंड से मिलती है। वहीं नंदी अस्त्र के अलावा हम देखते हैं वानर अस्त्र, जो कि शाहरुख खान रोल प्ले करने वाले हैं, जो काफी मजेदार होने वाला है। वानर अस्त्र के अलावा हमें फिल्म में त्रिशूल अस्त्र भी देखने को मिला था। ये सभी अस्त्र ऐसे हैं जो काफी मजेदार और दमदार कैरेक्टर है। इस तरह हमें इस फिल्म में कई अस्त्र बुराई से लड़ते नजर आएंगे। और देखा जाए दोस्तों तो हिंदू पौराणिक में लगभग 45 अस्त्र हैं, और इन हिंदू पौराणिक कथा के 45 अस्त्र में से कई अस्त्र हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो ट्रेलर में एक सीन है जहां पर हम देखते हैं कि ये आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक साथ होते हैं और उनके हाथ में कुछ आग जल रही होती है और डायलॉग्स बाजी होती है। तो रणबीर कपूर कहते हैं कि मेरा आग से कुछ कनेक्शन है, मैं इनसे जलता नहीं हूँ, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। अब सवाल यह है कि किस तरह शिवा को अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है। अब शिवा को एक तरफ धीरे धीरे अपने पावर के बारे में पता चलता है और दूसरी तरफ डार्क पावर के बुरे लोगों से बाकी के अस्त्र यानी अच्छे लोग मिलकर ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते हैं। ये लोग शिवा के बारे में भी जानते हैं और कहीं ना कहीं वो शुरू से शिवा पर नजर बनाए रखते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं सही टाइम का। और सही टाइम आता है जब पहली बार शिवा का डार्क पावर वाले लोगों से सामना होता है और उसकी पावर से वो उन्हें हरा देता है। इससे शिवा के सामने उसकी पावर आ जाती है और बाकी के अस्त्र भी और ये लोग शिवा को मिलवाते हैं उनके गुरु से, जिसका रोल अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं। ये गुरु शिवा को इतिहास के अस्त्रों के बारे में बताता है और इसके साथ ही उसका ब्रह्मास्त्र से क्या कनेक्शन है ये भी उसे समझाता है। वेल, जिस जगह गुरु है वहां और भी लोग हैं जो बुरी शक्तियों से दुनिया की रक्षा कर रहे हैं, और उनको देखकर शिवा को अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल सीखेगा और ब्रह्मास्त्र के बारे में और भी जानेगा ताकि सही टाइम आने पर वो बुरे लोगों से लड़ सके। अब जिस जगह शिवा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख रहा है वहां पर डार्क पावर वाले लोग हमला कर देते हैं और शायद यहीं पर शिवा की शक्तियां अपने असली रूप में एक्टिव होगी। शिवा को रोकने के लिए वो लोग शायद ईशा का इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है कि शायद आखिर में गुरु की मौत हो जाए। अब एट द एंड सवाल यह है कि फिल्म में विलेन कौन होगा। ट्रेलर में देखा मौनी रॉय को, लेकिन जहां तक फैन मेड थ्योरी आई सामने, उन्होंने कहा कि मौनी रॉय नहीं बल्कि आलिया भट्ट होंगी मेन विलेन और वो शिवा को फंसा रही हैं। दोस्तों गुरु के मौत के बाद शिवा आर पार की लड़ाई करेगा जिसमें उसका साथ बाकी के अस्त्र भी देंगे। हालांकि मौनी रॉय जो जुनून का किरदार निभा रही है वो अस्ट्रोवर्स की असली विलेन नहीं होंगी, ये हम सभी जानते, वो तो सिर्फ असली विलेन के लिए काम कर रही है। जैसे कि हमने एवेंजर्स में देखी है कि मेन विलेन तो थानोस था जिसके अंडर बहुत सारी टीम थी और वो जाकर आक्रमण करती थी, लोगों को परेशान करती थी। यहां पर भी पार्ट वन में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि जो जुनून है मौनी रॉय है वो सिर्फ एक जरिया है, मेन विलेन तो फिल्म का कोई और ही होगा और इसके बारे में हमें हिंट मिलेगा फिल्म के एंड में। शायद इस फिल्म के एंड में हमें एस्ट्रोवर्स के विलन के बारे में कुछ हिंट दिया जाए। इस फिल्म की कहानी इस पार्ट में पूरी तरह से खत्म नहीं होगी क्योंकि आखिर में बाहुबली फिल्म की तरह कुछ सस्पेंस रखा जाएगा क्योंकि इसके दो पार्ट आने वाले हैं और उन दो में एस्ट्रोवर्स को और भी गहराई से समझाया जाएगा, हमें कुछ और अस्त्र दिखाए जाएंगे और शिवा की कहानी को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके आने वाले दो पार्ट में असली विलन के बारे में दिखाया जाएगा और हमें पता चलेगा कि आखिर उसका मकसद क्या है और वो क्यों ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता है। अब बात करके फिल्म की एंडिंग में क्या होगा। अब आखिर में बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। ट्रेलर देखकर हमें ये तो पता चला कि ब्रह्मास्त्र के कई टुकड़े कई अलग अलग जगह पर हैं और विलेन उन्हें ढूंढ कर एक करना चाहते हैं, एज लाइक थानोस का वो जो गोंगलेट है जो 5 अलग अलग जगह पर थे वो उन्हें एक करना चाहता था ताकि उसके पास पावर आ सके। यहाँ भी ऐसा ही है ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर सके। इसके साथ ही ये भी कंफर्म है कि ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा शिवा के पास है जो शायद शुरुआत में उसे पता नहीं होगा लेकिन आखिर में उसे पता चल जाएगा, और क्योंकि उसके किस्मत में ब्रह्मास्त्र का कंट्रोल करना लिखा है तो शायद ब्रह्मास्त्र के तीसरे पार्ट में शिवा की मौत हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टोनी स्टार्क की हुई। दोस्तों ये फिल्म रोंगटे खड़े करने वाली है जब भी सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ठीक है कुछ लोग बायकॉट कर रहे हैं, वो उनका अपना एक अलग फंडा है, लेकिन इसके बावजूद ये जब फिल्म रिलीज होगी तो इसका एक अपना एक अलग इतिहास होगा। इसमें बहुत सी ऐसी पौराणिक चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी और जो शायद हमने कभी नहीं देखी। वेल, तो मैं इस फिल्म के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये थी ब्रह्मास्त्र फिल्म की कहानी और इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड फिल्मों में से गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकती है। जिस हिसाब से इसके ट्रेलर में दिखाया गया उस हिसाब से ये फिल्म हिट होगी। आपको क्या लगता है आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।